नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हमेशा शराबबंदी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर वही अगर चाहे उनके पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, लगातार हमेशा अपने सवालों से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लगातार घेरे रहते हैं कि आखिर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो लोग शराब से कैसे मौतें हो रही है, चाहे शराब कैसे पकड़ा रही है, चाहे अस्पतालों की बात हो, होटलों की बात हो या पुलिस कार्यालय की बात हो, यहाँ तक विधानसभा की बात भी अगर करें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले खबर में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें टेट्रा पैक सारे बरामद होते हैं। यहाँ तक कि देर रात जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी शराब को लेकर एक बहुत ही बड़ा कमिटमेंट कर चुके हैं कि बिहार में शराब तो मिल ही रहा है। इस बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के चंदन सिंह हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो उनके नेता, चाहे विपक्ष के नेता या उन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता, हर नेता तो बोल ही रहे हैं कि बिहार में शराब मिल रहा है, मगर एक तरफा नीतीश कुमार क्यों पड़ गए हैं? देखिए, अब तो उनके सहयोगी और बिहार के पूर्व मंत्री आदरणीय मांझी जी ने भी बोल दिया और बहुत स्पष्ट बोला है, थोड़ी थोड़ी पिया कीजिए, रात में 10 बजे के बाद पीजिए। तो जज पर भी सवाल उठा दिया। अब तो यह जांच का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी अब इसमें कितना संज्ञान लेते हैं यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जजेस पीते हैं, एसबी पीते हैं, आईएएस पीते हैं, आईपीएस पीते हैं, ठेकेदार पीते हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको मांझी जी पर्सनल जानते हैं, यह जांच का विषय है। मांझी जी से पूछताछ होनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री का कोई अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में शराबबंदी, और उसको धत्ता बताते हुए माननीय जीतन राम मांझी जी ने जब इतना बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, तो यह सवाल उठता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अब कितना इस पर संज्ञान लेते हैं। चूंकि देखे, बिहार के बड़े बड़े नेता, वह चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, यह बराबर और स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जहरीली शराब हो, अवैध शराब हो। और जदयू के कई नेता के गाड़ी से स्प्रिट की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई है, उनके होटलों से भी बरामद हुई है, पकड़ी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे अपना चेहरा चमका रहे हैं, बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं है, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह कई मादक पदार्थ बिहार में बहुआयत में मिल रहे हैं, और इसके जो सिंडिकेट चला रहे हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के हिस्सेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मौन मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। सारण के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उनका भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अनोखा बयान आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम स्वागत करते हैं माननीय रूडी जी का, देर से ही भली, लेकिन सच तो बोले, बिहार में नीति नहीं है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को आप पहले मान नहीं रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं हैं, और अब आप उसको मान रहे हैं कि हाँ बिहार पिछले 16 साल में बहुत पीछे गया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में पिछड़ गया है, अब हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, और जदयू के कई ऐसे नेता हैं, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके बोल रहे हैं, तो देखिए ये दोहरा चरित्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जब केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी को नहीं मिल सकता है, अब यहाँ पर आर्थिक पैकेज मिलता है, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो बराबर बिहार पे ध्यान देते हैं, हर मुसीबत में माननीय प्रधानमंत्री बिहार के तमाम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और बिहार की जनता यह भली भांति जान रही है। हम तो लगातार, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में नीति और सिद्धांत दोनों की कमी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देर से ही माने, हम इसका स्वागत करते हैं, और इनको आर्थिक पैकेज मिल रहा है। नीति
बिहार में नीति की कमी है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा रामविलास पासवान यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मगर सही में अगर एक बात देखा जाए, अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो वो कहाँ बंदी है, सिर्फ कागज़ों पे। क्योंकि अगर हम धरातल की बात करें तो लगभग हर जगह तो शराब पकड़ा ही जा रहा है। यहाँ तक कि देर रात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसको पूरा स्पष्टीकरण करके बता दिया है कि बिहार में शराब आखिर मिल रहा है और कौन कौन पी रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब दे दिया। अब देखने वाली विषय यह है कि जांच होती है तो किन किन अधिकारियों का नाम इसमें आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।